नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सभी दलों के साथ बैठक, सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना से लड़ाई है लंबी, लॉकडाउन बढ़ाने के मिले संकेत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी समेत यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट एरिया सील। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप से किया सवाल, हमने दी दवाई, क्या भारत को सबसे पहले देंगे वैक्सीन। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, निजी लैब में भी मुफ्त हो जाँच, रिइंबर्स करने के लिए बने तंत्र। तो सुर्खियों के बाद अब बात कोरोना के कहर की। पूरी दुनिया में कहर मचाने वाले खतरनाक कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है और दुनिया भर में इसकी रफ्तार कैसी है, बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया के कई देशों में फैले कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक दुनिया भर में 4,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5,119 आ चुके हैं, मृतकों की संख्या 149 तक पहुँच गयी है, 402 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, 24 घंटे में 773 नए मरीज सामने आए हैं, 24 घंटे में 32 लोगों की कोरोना ने जान ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मेडिकल स्टाफ को जरूरी सामान मुहैया कराए जाएंगे, वहीं कोविड-19 के लिए ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोरोना से जारी जंग में जरूरत पड़ने पर स्टेडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। विश्व में अब तक 83,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले 4,00,000 के पार पहुंच गए हैं और मरने वालों की संख्या 12,857 पहुंच चुकी है। चीन में संक्रमितों की संख्या 81,000 के पार है, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा 3,333 तक पहुंच गया है। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा है और मरने वालों का आंकड़ा 17,000 पार कर गया है। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,46,000 के पार है, तो वहीं स्पेन में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कई जगहों पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण किया जाए। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जाने लगा है कि ये तीसरी स्टेज की ओर बढ़ गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा परेशानी नजर आ रही है, लेकिन अगर मुंबई में कोरोना तीसरे चरण में पहुंच गया तो इससे क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना पर रोजाना जानकारी साझा करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि देश के कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमण तीसरे चरण पर पहुंच चुका है। उनका ये इशारा साफ तौर पर मुंबई की तरफ ही है, क्योंकि देश में मुंबई ही एकमात्र बड़ा हॉटस्पॉट है जहां मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है और मरीजों की मौत की संख्या भी सबसे ज्यादा है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी के अलावा अब कोरोना का संक्रमण बांद्रा टर्मिनस से सटे हुए बहरामपाड़ा और कुर्ला के जरमरी झुग्गियों तक फैल गया है। शहर के दो बड़े अस्पताल गौघाट और जसलोक अस्पताल सील किए गए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के आसपास भी कोरोना वायरस मंडराने लगा है। इसके चलते सीएम उद्धव के घर की सुरक्षा में लगे 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को उत्तर भारतीय संघ की इमारत में एकांतवास में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि WHO ने कोरोना वायरस के 4 स्टेज का जिक्र किया है। पहला फेज जिसमें विदेश से आए लोगों में ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। दूसरे फेज में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वालों को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। तीसरा चरण यानी थर्ड स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। इसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं होती और न ही किसी कोरोना संक्रमित के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आया होता है। वहीं चौथे चरण में बीमारी महामारी का रूप ले लेती है, जैसे इस वक्त इटली और स्पेन में हालात हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का मानना है कि भारत में अभी दूसरे चरण में ही कोरोना वायरस है, जबकि कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस तथ्य से विरोध जताते हुए कहते हैं कि भारत में थर्ड स्टेज में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। हालात अभी नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन एक चूक कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच थोड़ी राहत देने वाली खबर भी है। दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो भारत में कोरोना के मरीज अमेरिका के मुकाबले जल्दी ठीक हो रहे हैं।
पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। कोरोना से जारी जंग में हर एक देश उभरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में जहां महज 5% लोग बीमारी से उभरकर घर लौटे हैं, तो वहीं भारत में 7% से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे पता चलता है कि ज्यादातर मरीजों का सिर्फ घर में ही रहने से उपचार हो सकता है। गंभीर लक्षणों वाले मरीज को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। अलग अलग शोध से अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। किसी का कहना है कि लक्षण 4 से 14 दिन तक दिख सकते हैं। चीन के एक शोध के मुताबिक बीमारी ठीक होने के 37 दिन बाद तक मरीजों में लक्षण देखे गए हैं, इसलिए अभी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। 14% लोगों में संक्रमण के गंभीर लक्षण दिखे, सांस लेने में दिक्कत और जल्दी जल्दी सांस लेने जैसी समस्या आई। 6% लोगों के फेफड़े फेल हो गए और सेप्टिक शॉक आया और अंगों ने काम करना बंद कर दिया। 80% लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण दिखे, जैसे बुखार खांसी। कहां कितने मरीज अस्पताल से घर लौटे? भारत 7.34, जर्मनी 34.89, अमेरिका 5.4, स्पेन 29.58, इटली 17.33, चीन 93.6, ईरान 40.5, फ्रांस 17.6, दक्षिण कोरिया 64.4, स्विट्जरलैंड 37। रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों और पहले से ही सांस की बीमारी से परेशान लोगों, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वाले के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका बेहद ज्यादा है। भारत में भी 86% मौत के मामलों में लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियां थी। अभी तक इस वायरस का कोई वास्तविक इलाज नहीं ढूंढा जा सकता है। दुनिया में कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर सिर्फ इस कोशिश में हैं कि वे मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद कर सके और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया भर में कारोबार और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में इस वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादातर देशों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह लॉकडाउन घोषित कर रखा है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजें पूरी तरह से बंद है। इस बीच व्हाइट हाउस से एक बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के डॉक्टर एंथनी फाउची के बयान से फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते। डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि कोरोना वायरस को बिना किसी वैक्सीन या असरदार इलाज के पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। डॉक्टर फाउची ने आगे ये भी कहा कि अगर इस महामारी का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं मिलता, तो कोरोना वायरस फैलने से पहले अमेरिका जिस स्थिति में था वहाँ शायद कभी नहीं पहुँच पाएगा। डॉक्टर एंथनी फाउची देश के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टिव डिजीज के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर फाउची ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन आ जाएगी, जिसकी मदद से स्थिति से निपटा जा सकेगा और कोशिश होगी कि ऐसे हालात दोबारा ना आएं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब हम चीजों के सामान्य होने की बात कहते हैं तो वो उससे पूरी तरह अलग स्थिति होती है जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बेहद बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।